नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिनी वैब पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए पीएचसी मुजफ्फराबाद ने उठाया दमदार कदम। उत्तर प्रदेश में डेंगू के प्रकोप ने उत्पात मचा रखा है। इसी के साथ सहारनपुर के टपरी कला गाँव में निकले डेंगू मरीज ने जिले सहारनपुर के स्वास्थ्य विभाग के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी है। इसी कड़ी में ब्लॉक मुजफ्फराबाद के गांव शेखपुर में कल सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 20 लोगों की सैंपलिंग ली गई थी, जिनमें से अभी तक किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएचसी इंचार्ज डॉक्टर अशोक शिरे ने नकारते हुए कहा कि कल कुछ पेशेंट को तेज बुखार जरूर था, जिनकी जांच के सैंपल टीम द्वारा लिए गए थे, लेकिन आज आई रिपोर्ट में एक भी डेंगू मरीज की पुष्टि इस गांव में नहीं हुई है। मंडलायुक्त ने ग्राम सडोली हरिया में निर्माणधीन राजकीय महाविद्यालय का किया औचक निरीक्षण। मंडलायुक्त लोकेश एम आज तहसील रामपुर मनिहारन के ग्राम सडोली हरिया में निर्माणधीन राजकीय महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि महाविद्यालय भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ईंटें और चिनाई की उच्च गुणवत्ता और मानक के अनुसार सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इमारत में प्लास्टर व पुट्टी का कार्य बेहतर ढंग से किया जाए ताकि दीवारों में सीलन न आए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कक्षों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड के लिए बिजली का पॉइंट अवश्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता ना किया जाए। तीतरो कोतवाली पुलिस के द्वारा छेड़छाड़ के आरोपी के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। कोतवाल विनय कुमार आजाद ने बताया कि गांव महंगी थाना तीतरो निवासी निखिल शर्मा पुत्र मांगेराम, जिस पर थाने में पंजीकृत मुकदमा पॉक्सो अधिनियम वांछित चल रहा था, जिस पर अनेक मुकदमे भी दर्ज हैं। कोतवाल विनय कुमार आजाद ने बताया कि पुलिस टीम बनाकर गांव में ही रात्रि के समय एक मकान पर छापा मारकर निखिल शर्मा को गिरफ्तार किया गया और थाने ले जाकर जेल भेज दिया गया है। स्टार पेपर मिल आश्रम पर धूमधाम से मनाया गया सदगुरु समनदास जी महाराज का प्रकट दिवस। सहारनपुर अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन की नींव रखकर संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान को संपूर्ण जगत में ओत प्रेत कराने वाले संत शिरोमणि सदगुरु रविदास उपाधि से आभूषित संत शिरोमणि सदगुरु रविदास स्वरूप सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का पावन प्रकट उत्सव सदगुरु रविदास आश्रम स्टार पेपर मिल रोड सहारनपुर में महात्मा नत्था दास जी के सानिध्य में केक काटकर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ऑनलाइन रोजगार मेले का होगा आयोजन 14 सितंबर को। जनपद के बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए 14 सितंबर 2021 को ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय शिव ललित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 सितंबर को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। शिव ललित सिंह ने यह भी बताया कि रोजगार मेले में अभ्यर्थी सेवा योजन पोर्टल पर 13 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जनपद में अलग अलग शहर व क्षेत्रों में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी बनाने व आत्मरक्षा के लिए किया गया जागरूक। थाना तीतरो में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति फेज 3 के तहत महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी बनाने व रक्षा के लिए जागरूक किया गया। वहीं थाना नकुड़ क्षेत्र के मोहल्ला बंजारन स्थित स्कूल में महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर आत्मरक्षा के लिए जागरूक किया गया। इसी क्रम में आज थाना कुतुबशेर स्थित गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर हेतु जागरूक किया गया व पैम्पलेट भी वितरित किए गए। सहारनपुर नगर निगम जिला चिकित्सालय में भी सौंदर्यकरण के साथ अनेक जन सुविधाएं बढ़ाने में भागीदारी करेगा। जिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आभा शर्मा ने आज इस संबंध में नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह से मुलाकात कर अस्पताल की समस्याओं से अवगत कराया। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अविलंब समस्याओं का समाधान करने के अलावा जन सुविधाओं को बढ़ाने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि अस्पताल
व बच्चों के स्कूल निगम की प्राथमिकता है। वहां लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आभा शर्मा ने आज नगर निगम में नगर आयुक्त से भेंट कर उन्हें पत्र देते हुए चिकित्सालय की समस्याओं और आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिलाया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय चेतना के प्रबल समर्थक पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने आर्थिक विषमता को मिटाने के सार्थक प्रयास किए। डीएम अखिलेश सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित वल्लभ पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा, कृषि सुधारों, जमींदार उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री व देश के गृह मंत्री रहते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में भी उनकी महती भूमिका रही है। उनका संघर्षशील व प्रेरणादायी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।